क्वेश्चन सिक्स है जो कि पास्ट एग्जाम है, स्प्रिंग 2019 का, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेन इन द कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी। तो ये बेसिकली जस्ट जो रिप्रोडक्शन है जो हमने लॉ पढ़ा होता है उसकी, कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो होगी जिसमें कंपनी के सब्सटेंशियल एसेट्स या सब्सटेंशियल रेवेन्यू होगा, विच एवर इज हायर। फर्दर ये कि जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है, और ये कंपनी के नाम के साथ कमेंसरेट करनी चाहिए, उसके साथ मैच करनी चाहिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए। कोई भी जो चेंज आएगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में तो वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑन द फॉर्म जो स्पेसिफाइड होगा। और रजिस्ट्रार जो है वह ऐसी सूरत में ये भी कह सकता है कि कंपनी का नाम चेंज किया जाए इफ द नेम डज नॉट कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। तो अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करते हैं और वो पुराना जो नाम था उसके साथ अब मैच नहीं कर रही, तो रजिस्ट्रार की तरफ से ये ऑर्डर भी आ सकता है कि अब आप अपने कंपनी का नाम भी चेंज करें।